केस अगेंस्ट IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में जो काला सच है वो उसके अंदर है और उसकी उसका जो कनेक्शन है वो हर इंसान से है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ये देशवासी, क्योंकि आप जो भी दवाइयां लेते हैं, जो वैक्सीन ले रहे हैं, जो भी आप हेल्थ डिसीजन ले रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं IMA का रोल है इंटरफेयर करने का, आपको गुमराह करने का, आपको और बीमार करने का। आपके जो पैसे आपने कमाए हैं ऑन एवरेज 1/3 पैसा वो हड़प लेने का। तो ये सारी जो इसके अंदर बातें लिखी हैं वो आपकी आंखें खोलेंगी, आपको एक सही दिशा देंगी और IMA से आपको बचने में मदद करेंगी। थैंक यू। आपका शुक्रिया। डॉक्टर नेति मैम, बताएं थोड़ा आप इसके बारे में। सर, ये मूवी में हम लोगों की कि हम किस तरह से लोगों को जो एक एलोपैथिक मेडिसिन का चारों तरफ एक लोगों के मन में भ्रम फैला हुआ है कि एलोपैथिक मेडिसिन भी डिजीजेस को क्योर कर सकती हैं और हमें किसी भी बीमारी से बचा सकती हैं, उसके अगेंस्ट, ताकि हम लोगों को ये समझा सके कि बीमारी का इलाज सिर्फ दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी खाने में नहीं है, उसका जो बेसिक रूट कॉज है उसको ठीक करके अपने आप को स्वस्थ करना अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने से है। आयुर्वेद को आज की डेट में कोई भी लोग जल्दी अपनाने की कोशिश नहीं करता, तब आते हैं जब सब कुछ उनके हाथ से निकल जाता है। आज की डेट में जितनी भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, हाइपरटेंशन की आ रही है, पहले वो एलोपैथिक को अप्रोच करेंगे। जब वो उससे थक हार जाते हैं तब वो आयुर्वेद में आते हैं। अगर वो उससे थक हारे ना और पहले ही आयुर्वेद को अप्रोच कर लें तो ना उनका शरीर बेकार होगा, ना ही उनकी किडनियाँ बेकार होंगी, ना उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जितना समय दें आयुर्वेद को। सर, आज बुक रिलीज की आपने LPG ऑडिटोरियम दिल्ली में, और भी जो भी आपको समाज की उपयोगी बातें हैं बताएंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि व्यक्ति को पहली बार तो बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए, अगर पड़ जाए तो अपना डॉक्टर खुद बन जाना चाहिए। ये दो ही बातें हैं, अगर इंसान सीख जाएगा तो हम बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़े लेवल पर लोगों की मदद कर पाएंगे। आज जो भाई राजीव दीक्षित का जन्मदिवस भी है और निर्वाण दिवस भी है, उसको हमने नेशनल ट्रुथ डे के रूप में मनाने का आपसे आह्वान किया है जनता से, कि आज के दिन तो कम से कम सच बोलो, आज एक प्रण लो कि मैं सच के साथ हूँ और हमेशा सच के साथ ही रहूँगा। तो वो सच क्या है? सच ये है कि अगर आपकी किडनी डायलिसिस पर है तो बंद किया हो जा सकता है, अगर आपको शुगर है गोली छोड़ी जा सकती है, उसको रिवर्स किया जा सकता है। शुगर, BP, जोड़ों का दर्द, लीवर ख़राब, किडनी फेल, कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज़, बीमारी कोई भी हो, आयुर्वेद की मदद से, नेचुरोपैथी की मदद से, सही खान पान की मदद से उस बड़ी से बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। और वो प्रैक्टिकल, हम मेरे पीछे जो फोटो लगी हुई है हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ की, यहाँ पर बड़ी आसानी से पिछले काफ़ी महीने से कर रहे हैं, और इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, मैं, डॉक्टर खादर वली और हमारी पूरी टीम 200 डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, और हमने एक ही बीड़ा उठाया है कि हमने भारत को रोग मुक्त बनाना है। सर, जो बुक का टाइटल है IMA से रिलेटेड है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बुक का नाम है द केस अगेंस्ट IMA। IMA भारत में एक संगठन का नाम है जिसका नाम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। हमने एक डिमांड रखी है कि IMA जो कि भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है जो अच्छा होता है, जिससे आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की बढ़ोतरी होती है या लोगों का भला होता है, तो क्यों IMA उसके पीछे पड़ जाता है, कंप्लेंट करना शुरू कर देता है, जगह जगह उसको परेशान करना शुरू कर देता है। तो हमने जनता से ये डिमांड करी कि IMA को ऐसा ना करके IMA को साथ आना चाहिए, मदद करनी चाहिए, उल्टा उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि IMA के पास तो हजारों करोड़ का फंड है। IMA को तो चाहिए हमें 500 करोड़ रुपए दे, लाओ साबित करके दिखाओ कि किडनी डायलिसिस ठीक होता है। तो IMA खुद आए, उल्टा IMA खुद इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दे, हमसे सीख के अरबों रुपए कमा ले भाई IMA, हमें तो खुशी होगी बड़ी, क्योंकि हमारा मकसद होया कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। हमारे दर्शकों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।